सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 की स्पेशल रिपोर्ट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे लगाने वाले हमारे देश में एक तरफ तो नवरात्रि में बेटियों के पैर पूजे जा रहे हैं, तो वहीं कुछ घटनाएं देश सरकार राजनीति और समाज के हर उस वर्ग को शर्मसार कर रही है जो देश की बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को जहां एक और पूरे देश में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, लोग गांधी के विचारों पर चलने की कसमें खा रहे थे, तो वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक 5 वर्ष की मासूम को हवस का शिकार बनाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बड़वानी जिले की इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ग्राम मालवन में 5 वर्ष से भी कम उम्र की एक मासूम बच्ची की महज 14 वर्षीय लड़के ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी। मामले पर से पर्दा उठाते हुए एसपी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले कक्षा 9वीं के छात्र ने एंड्रॉयड मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखकर मासूम के साथ घिनौनी कृत्य की। पुलिस के मुताबिक अपराधी ने मासूम के मुँह में मिट्टी लकड़ी और घास फूस डालकर उसे चिल्लाने से रोकने की कोशिश की। संभवतः इस दौरान जिंदगी से लड़ाई लड़ते हुए वह हार गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 5 साल से कम उम्र की मासूम बच्ची के साथ 14 साल के अपराधी ने कई अप्राकृतिक कृत्य किए। हम उसे आपके सामने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। रोंगटे खड़े कर देने वाली हैवानियत बरतने वाले आरोपी क्यों? पुलिस ने उसे हिरासत में तो ले लिया, लेकिन घर से गायब हुई बच्ची का शव जिस तरह गांव के पास ज्वार के खेत में विक्षिप्त हालत में मिला, उससे कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। इस पूरी घटना के पीछे क्या मोबाइल फोन और इंटरनेट द्वारा देखे जा रहे पोर्न वीडियो को जिम्मेदार समझा जाए? यह अपराधी की मानसिक प्रवृत्ति गुनहगार है। खबर 100 न्यूज आपको सचेत कर देना चाहता है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन जरूरत है अवेयर होने की, ये ध्यान रखने की कि घर में आपके बच्चे फोन पर क्या देख रहे हैं। शायद इसी तरह आप इन घटनाओं को रोक सकते हैं।